संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। 2014 से लेकर 2024 चल रहा है, 10 साल से बड़े ईमानदारी से साथ निभाने वाले पशुपति पारस आज मोदी कैबिनेट से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैं भले मोदी कैबिनेट से इस्तीफा दे रहा हूं लेकिन एनडीए के साथ मैं हूं, लेकिन अब अपने साथियों से विचार विमर्श करके आगे का रास्ता, आगे के कदम हमारे क्या होंगे ये तय करूंगा। लेकिन जहां तक कहा जा रहा है कि शायद राजद या कह लीजिए महागठबंधन की तरफ से उन्हें ऑफर मिल चुका है, तेज प्रताप का बयान भी आपने सुन लिया होगा और इसी पर हम बात करने के लिए हमारे साथ दानिश इकबाल हैं, भाजपा के मीडिया सेल के प्रभारी हैं। दानिश जी क्या कहेंगे, इतना पुराना साथी साथ छोड़कर चला गया? नहीं देखिए, पशुपति पारस जी जो हैं वो हमारे गठबंधन के साथ हैं और हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हमारा गठबंधन है उसके एक महत्वपूर्ण नेता हैं और उन्होंने इस्तीफा दिया है, ये खबर हम लोगों को मालूम चली है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो एनडीए के साथ हैं और हम लोग लगातार उनसे वार्ता कर रहे हैं और हमें ये पूर्ण विश्वास है कि पशुपति पारस जी जो है एनडीए में बने रहेंगे और हर एक घटक दल एनडीए का है जो है वो महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से पारस जी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो हमारे साथ बने रहेंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। दानिश जी, सबसे बड़ी बात है कि तमाम जो आरएलजेपी के प्रवक्ता हैं वो आक्रामक हो गए हैं, एकदम ठीकरा आप लोगों के ऊपर फोड़ रहे हैं कि गुठली के जैसा निचोड़ कर फेंक दिया पारस जी को, हम सबसे ईमानदार थे, चिराग को 5 सीटें दे दिया, तमाम तरीके नहीं, हमने किसी को भी निकाल के फेंका नहीं है। हमने कभी ये नहीं कहा कि पशुपति पारस जी एनडीए के हिस्सा नहीं हैं। मैं आज भी कह रहा हूँ कि पशुपति पारस जी हमारे एक महत्वपूर्ण अलायंस के साथी हैं और हम लोग उनसे वार्ता कर रहे हैं, हमारे तरफ से कहीं कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, उन्होंने इस्तीफा दिया है और उन्होंने भी एनडीए को लेकर कोई विषय नहीं कहा है, तो मुझे विश्वास है कि वो भारतीय जनता पार्टी के जो नेतृत्व में जो अलायंस है एनडीए का उसके साथ बने रहेंगे। और जहाँ तक सीट का सवाल है कि किसको कितना सीट मिले, ये एक सामूहिक निर्णय होता है और हमारा जो अलायंस है एनडीए का जो अलायंस है उसका आधार ही जो है वो सम्मान और समन्वय पर है। तो हम अपने घटक दलों को सम्मान भी देते हैं और उनके साथ समन्वय करके ही एक डिसीजन लेते हैं। तो उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं, आगे विधानसभा का चुनाव भी है और बहुत सी चीज़ें हैं, तो हम अपने सभी घटक दलों के नेताओं को बराबर परस्पर सम्मान देते रहेंगे और आगे भी हम सम्मान देंगे उनको, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि किसी प्रकार का कोई कन्फ्लिक्ट है। दानिश जी, अंतिम सवाल, क्या मोदी का हनुमान बनने का चिराग पासवान का जो फैसला था वो सही था, इनाम मिला हनुमान को? देखिए, अब ये तो चिराग पासवान जी का विषय है कि वो किसके हनुमान बनते हैं और सुना होगा नहीं, नहीं, कि मैं मोदी का हनुमान हूँ तो कोई भी व्यक्ति कहने के लिए स्वतंत्र है, हम सम्मान करते हैं उनके इस विषय का। लेकिन जहाँ तक के सवाल है सीट शेयरिंग का, ये हमारी पार्टी का जो केंद्रीय चुनाव समिति है, पार्लियामेंट्री बोर्ड है और जो हमारा एनडीए अलायंस है, एनडीए अलायंस के सभी नेता मिलकर के आपसी सहमति के साथ इस विषय को तय किया कि किस पार्टी को कितने सीट मिलेंगे, इसमें कहीं किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। और निश्चित तौर पर हमारे घटक दलों का हर एक साथी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। बिहार के 40 लोकसभा चुनाव में हम जाएंगे, हमारे निशान ज़रूर अलग होंगे, कहीं पे तीर होगा कहीं पे कमल होगा, लेकिन एक ही विज़न होगा कि कैसे 10 साल का जो कार्यकाल नरेंद्र मोदी जी का रहा है उसको आने वाले समय में भी सुचारू रूप से जारी किया जा सके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बने, देश को सशक्त करने के लिए, यही हम सभी अलायंस के साथियों का विज़न है। तो ये थे दानिश इकबाल, कहा कि बिहार की 40 सीटों में भले निशान हमारे अलग अलग होंगे लेकिन मुद्दा वही होगा, 400 के पार उसमें 40 बिहार। लेकिन उन प्रश्नों का बड़ा एक तरीके से संयमित जवाब दिया कि पारस जी अलग भले हो गए हों, इस्तीफा दे दिया हो, लेकिन एनडीए के वो साथ हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं। अब देखना है कि जब पशुपति पारस शाम के 5 बजे पटना पहुंचते हैं तो उनके रास्ते क्या एनडीए से भी जुदा होंगे या एनडीए में वो बने रहेंगे, इस पर भी नज़र रहेगी। कैमरामैन प्रेम के साथ मनोज चतुर्वेदी, पटना।